नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीजीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। एक जय श्री राम के नारों से गूंजा पूरा भारत, और एक तरफ जय भीम के नारों से लगाते हुए एक विद्यालय की नींव रखी गई। रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी द्वारा विद्यालय की नींव रखी गई। 22/1/2024 को माता सावित्रीबाई फुले कॉन्वेंट स्कूल का शिलान्यास डिघोरा सोमाऊ ब्लॉक हरचंद्रपुर जिला रायबरेली में हरचंद्रपुर विधायक राहुल लोधी द्वारा किया गया। अम्बेडकर सेवक समिति के संचालक हनुमान अम्बेडकर के नेतृत्व में विनोद अम्बेडकर, अमरजीत अम्बेडकर, जगत बहादुर, अन्य सैकड़ों सहयोगी टीम के सहयोग से किया गया। आज जिस प्रकार पूरे देश में अंधविश्वास पाखंडवाद को फैलाकर इतिहास बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अम्बेडकर फुले पेरियार की विचारधारा को मानने वाले माता सावित्रीबाई फुले कॉन्वेंट स्कूल का शिलान्यास करके डीएम एसडीएम डॉक्टर इंजीनियर मास्टर तैयार करेंगे। आज हमारे विधानसभा हरचंदपुर में ग्राम डिघौरा में आज हम लोग माता सावित्रीबाई फुले कॉन्वेंट स्कूल के शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग व्यक्तिगत तौर से सभी लोगों का सहयोग है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रयास से हो सकता है, मैं इस कोचिंग को, स्कूल को स्टार्ट करने का काम करने वाला हूं, और प्रयास रहेगा कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, सभी वर्ग के हैं, वो यहां आएंगे और पढ़ेंगे और अच्छी दिशा में देने का काम। 22 तारीख है आज, राम मंदिर का विशेष दिन माना जाता है, आज ही के दिन ऐसा क्यों? देखिए, वो जो आज काम हो रहा है, भगवान राम हमारे आ रहे हैं, रग रग में है, कड़कड़ में है, रोम रोम में है, लेकिन जब तक राम, भगवान राम जी जब तक हम सबको चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे प्रिय बच्चे जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे, राम को समझेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज हम वो जो जहां अयोध्या में आज भगवान राम आ रहे हैं, एक शिक्षा की ज्योति इस हमारे विधानसभा हरचंदपुर में जगने जा रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि भगवान राम कहीं से नाखुश होंगे, एकदम बहुत खुश होने वाले हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और देशवासियों के लिए और सभी लोगों के लिए, लेकिन आज ऐसे में आज विद्यालय का शिलान्यास करना, मैसेज क्या रहेगा आम समाज के लिए? देखिए, शिक्षा से ही हम लोग आज बोल पा रहे हैं, अपने जगह पर खड़े हैं, आप लोग के सामने बोल पा रहे हैं, और शिक्षा से ही आगे देश का विकास होगा। बिना शिक्षा के इस समाज का, न हमारे लोगों का, जिस तरह पहले प्रताड़ना होती थी कि एक समाज छोटे वर्ग के लोग जो होते थे वो ना पानी पी पाते थे, ना बोल पाते थे, ना जा पाते थे, कहीं अपनी समाज की बात रख पाते थे, तो आज उसी जिस रूप से आज जनता ने यहाँ हमें जिता के बेचा, ऐसे बाहुलियों को हरा के मुझे विधायक बनाया है, तो मैं प्रयास रहेगा कि पिछले 1.5 साल से हम प्रयास कर रहे थे कैसे स्कूल खोला जाए, तो हम लोगों ने बहुत दिन से प्रयास करने के बाद आज हम हनुमान भाई जी के और सभी उनकी कोर टीम के मेहनत से सभी लोग लगे हैं और यहाँ पे शिलान्यास करने का। कितना विद्यालय रहेगा, कितने कमरे बनने का ऐलान हुआ? अभी शुरुआत है, अभी 3-4 कमरों का शुरुआती होना है, अगले महीने से काम यहाँ लग जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।